हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देर हैडक्वार्टर्स इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है और फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी और प्रेजेंट में उसके चीफ या ड कौन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो पूरा वीडियो आप जरूर देख लेना एग्जाम में आपके टू से थ्री मार्क्स पक्के हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज दी हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक कर्नाटक का जो फ्रेंड्स बेंगलुरु सिटी है यहाँ पर हेड क्वार्टर है इसरो का इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंड्स इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है जैसे फ्रेंड्स नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है सी एन एस ए चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है वैसे ही इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है आपको याद रखना है इसरो अब देखो फ्रेंड्स इसरो की जो फॉर्मेशन है ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को और फ्रेंड्स ये जो प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन हैं ये आपको याद रखना है प्रेजेंट में चेयरमैन हैं श्री एस सोमनाथ यहाँ पे ले देता हूँ श्री एस सोमनाथ प्रेजेंट में चेयरमैन हैं नाउ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ दी हेडक्वाटर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ डी आर डी ओ लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी न्यू दिल्ली फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में डी आर डी ओ का हेडक्वाटर है मैंने आपको बताया डी आर डी ओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि डी आर डी ओ का हेडक्वाटर इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में है और आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ डी आर डी ओ की फॉर्मेशन कब हुई थी आप बोलोगे नाइनटीन फिफ्टी एट में डी आर डी ओ की फॉर्मेशन हुई थी नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं डी के प्रेजेंट में चेयरमैन उनका नाम भी बता देता हूँ इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्टर समीर वी कामत प्रेजेंट में चेयरमैन है डी के नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ आर बी आई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स आर बी आई का हेडक्वाटर है और आर बी आई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आर बी आई की फॉर्मेशन कब हुई थी वन अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव को और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आर बी आई के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में तो वो है श्री शक्तिकांत दास यहाँ पे देता हूँ श्री शक्तिकांत दास प्रेजेंट में चेयरमैन है आरबीआई के फ्रेंड्स मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ देखो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है मैं आपके लेकर आया हूँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेड क्वार्टर और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी ये तो फ्रेंड्स हमेशा सही रहेगा मतलब फ़िक्स रहेगा लेकिन फ्रेंड्स जो चेयरमैन है वो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं तो फ्रेंड्स कभी भी फ्यूचर में अगर किसी का चेयरमैन चेंज होगा तो मैं कॉमेंट बॉक्स में अपडेट दे दूँगा आपको ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी न्यू दिल्ली फ्रेंड्स न्यू न्यू दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वाटर लोकेटेड है अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है नीति तो मैं आपको नीति का फुल फॉर्म बता देता हूँ नीति आयोग में फ्रेंड्स नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ और फ्रेंड्स नीति आयोग की जो फॉर्मेशन है ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं फ्रेंड्स वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो चेयरमैन हो गए किसके नीति आयोग के नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टरस ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डेट इज़ नाबार्ड लोकेटेड राइट आंसर इज सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स नाबार्ड का हेडक्वाटर लोकेटेड है यह या आपको याद रखना और मैंने आपको बताया नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और फ्रेंड्स जो नाबार्ड है इसकी फॉर्मेशन हुई थी ट्वेल्थ जुलाई नाइनटीन एटी टू को ना नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक लिमिटेड लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एन एच बी का हेडक्वार्टर है और एन एच बी की फॉर्मेशन हुई थी फ्रेंड्स नाइन जुलाई नाइनटीन एट्टी एट को ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डेट इज़ आई आर डी ए आई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना अपने तेलंगाना का जो हैदराबाद सिटी है यहाँ पर आई आर डी ए आई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड क्वाटर है और आई आर डी आई की फॉर्मेशन नाइनटीन नाइन्टी नाइन में हुई थी ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ दी हेडक्वाटर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डेट इज़ सेबी लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स सेबी का हेडक्वार्टर है सेबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो शेयर मार्केट्स होती हैं जैसे एन एस सी हो गया बी एस सी हो गया इन इन बॉडीज़ को रेगुलेट कौन करता है सी बी रेगुलेट करता है और एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स इसकी जो चेयरमैन है वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम कोई वुमेन बनी है जिनका नाम है माधवी पुरी बुच ये नेम भी आपको याद रखना है और सी बी की फॉर्मेशन कब हुई थी ट्वेल्व अप्रैल नाइनटीन एट्टी एट को ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है कॉन्टेंट पसंद आ रहा है और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है नाउ नवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द क्वार्टर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया डेट इज सिडबी लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है यहाँ पर सिडबी का हेड क्वार्टर है ये आपको याद रखना है और सिडबी की फॉर्मेशन कब हुई थी 2 अप्रैल 1990 को नाउ ऑफर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेट इज ट्राई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स ट्राई का हेड क्वार्टर है यह आपको याद रखना है ट्राई की फॉर्मेशन हुई थी ट्वेंटी फेबर नाइनटीन को नाउ ऑबर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दी आई एस लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली दिल्ली में फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डेट इज बी का हेड क्वार्टर है ये या आपको याद रखना है बी की फॉर्मेशन कब हुई थी 23 दिसंबर 1986 को नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वाटर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया डेट इज बी सी लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स बी सी सी आई है बी की फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1928 को फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स मैं आप सभी को लेने ले, एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि मैं आपसे ना इस वीडियो में टू क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ एंड में आप सभी ने फ्रेंड्स आप इस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करना है टेन लकी स्टूडेंट जो अपना आंसर बिल्कुल सही देंगे उनको फ्रेंड्स हमारी तरफ से जो हमारी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जी वाली बुक है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी तो फ्रेंड्स आप सभी ने टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना है और अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है नौ अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज दी हेड क्वार्टर्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेट इज़ एफ एस एस ए आई लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स एफ एस एस ए आई का हेडक्वाटर है और एफ एस एस ए आई की जो फॉर्मेशन है फाइव सेट सेप्टर टू थाउजेंड एट को हुई थी ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वाटर्स ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज डेट इज नेकॉम लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन है न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स नेस्कॉम का हेडक्वाटर है और नेस्कॉम की फॉर्मेशन हुई थी वन मार्च नाइनटीन एटी एट को ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वाटर ऑफ इंडस्ट्रीअल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेट इज़ आई एफ सी आई लोकेटेड राइट आंसर इस ऑप्शन डी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स आईएफसीआई का हेडक्वार्टर है और आईएफसीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1948 को

नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वार्टल डिपॉजिटरी में फ्रेंड्स का हेडक्वार्टर है ये आपको याद रखना है और सीडीएसएल मैंने आपको बताया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसकी फॉर्मेशन हुई थी फेबर को फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ऑरियंटेड है आप किसी भी एग्जाम की की तैयारी कर रहे हो पूरे इंडिया में आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है वीडियो और आपको पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ और भी है देखो फ्रेंड्स आप सभी पी की डिमांड करते थे ठीक है पीडीएफ तो हम आपको अपने आपके अपने टेलीग्राम पर दे ही दे देते हैं जिसका नाम है रवि रविदिति क्लासेज ठीक है ये हमारा टेलीग्राम है यहाँ पर आपको फ्री पी मिल जाता है लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि आपको पी को प्रिंट आउट करने की जरूरत पड़ती है तो हमने आपका प्रिंट आउट का खर्चा बचाने के लिए अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया है जहाँ पे आपको हमारी हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है हमारी वेबसाइट का नाम है रवि अदिति क्लासेस रवि अदिति क्लासेस ठीक है फ्रेंड्स डॉट कॉम आपको गूगल पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे जाकर सर्च करना है रविदीति क्लासेज डॉट कॉम ये हमारा वेबसाइट है यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करिए आपको हमारी हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है इंग्लिश मीडियम में और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो रवि स्टडी आई क्यू जी के डॉट कॉम वा वेबसाइट है उस पर भी आके आप विजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैट इज़ एल आई सी लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स एल का हेड क्वार्टर है और एल की फॉर्मेशन हुई थी वन सेप्टेम्बर नाइनटीन को नाउ को नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज़ एच पी सी एल लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में एच पी सी एल का हेडकुआटर है एच पी सी एल की फॉर्मेशन नाइनटीन सेवेंटी फोर में हुई थी ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन डेट इज़ ओ एन जी सी लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में ओ एन जी सी का हेडक्वाटर है ओ एन जी सी की फॉर्मेशन हुई थी फोर्टीन ऑफ अगस्त नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दैडक्वाटर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट इज ई सी आई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ई सी आई का हेड क्वार्टर है ई सी आई की फॉर्मेशन हुई थी ट्वेंटी फाइव जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ये आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर नेशनल एंड स्टेट elections इन in इंडिया The चीफ इलेक्शन Commissioner इज appointed by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर जितनी आपको ऑडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउ ऑबर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ कॉम्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डेट इज कैग लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स कैग का हेडक्वाटर है कैग की फॉर्मेशन नाइनटीन में हुई थी इम्पॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं और द टेन ईयर ऑफ एनी कैक चीफ इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स ईयर और टिल द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयरस विच है इज अर्यर एज पर आर्टिकल वन फोर्टी एट देर शैल बी अ अम्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज दी हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डेट इज़ ए सी बी आई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड सी बी आई का हेडक्वाटर है सी बी आई स्टैंड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सी बी आई की फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी थ्री को नाओ ऑफ अर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दीड क्वार क्वाटर्स ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया डेट इज एसोच एम लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स एस ओच का हेड क्वार्टर है और एसओच की फॉर्मेशन हुई थी नाइनटीन ट्वेंटी में नाव ऑफ अर नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज़ दी हेड क्वार्टर्स ऑफ विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर डेट इज वी एस एस सी लोकेटेड राइट आंसर इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम केरला केरला का जो सिटी है तिरुवनंतपुरम फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर का हेडक्वाटर है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर नाइनटीन सिक्सटी थ्री को नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज़ सी बी डी टी लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स सी बी डी टी का हेडक्वाटर है सी की फॉर्मेशन हुई थी 1964 में ना ऑवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ दी क्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स सी बी आई सी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का हेड क्वार्टर है ये या आपको याद रखना है सी बी आई सी की फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन सिक्सटी फोर में ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज देडक्वार्ट इंडियंस बैंक एसोसिएशन डेट इज आई बी ए लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में आई बी ए का हेडक्वार्टर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आई बी ए की फॉर्मेशन कब हुई थी ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डैट इज़ फिक्की लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स फिक्की का हेडक्वार्टर है फिक्की की फॉर्मेशन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में हुई थी ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर डेट इज बार्क लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे जो कि फ्रेंड्स मुंबई के पास है और ये कहाँ कौन से स्टेट में है इंडिया के महाराष्ट्र में यहाँ पे फ्रेंड्स बार्क का यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडकोार्टर है बार्क की फॉर्मेशन हुई थी थ्री जनवरी 1954 को फ्रेंड्स मुझ पे आप ट्रस्ट करिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इस टॉपिक से रिलेटेड यानी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं फ्रेंड्स वो लॉन्च हो चुकी है चाहे पॉलिटी की है चाहे हिस्ट्री की है चाहे जोग्राफ़ी की है चाहे कंप्यूटर की चाहे जनरल साइंस की इन्वायरमेंट की ई बुक लॉन्च हो चुकी है साथ में ही करंट अफेयर्स की जो जनवरी से लेके कर डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक की जो ई e बुक है फ्रेंड्स वो भी लॉन्च हो चुकी है तो फ्रेंड्स इस ई e बुक को आप बाई कर सकते हो एटी टू नाइनटी परसेंट तक का हमने डिस्काउंट रखा है तो फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है 95 परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी ई बुक से देखने को मिल जाएंगे मतलब बेस्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं अपनी ई बुक में now our next question where is the headquarters of bombay stock exchange located right answer is option a mumbai maharashtra mumbai maharashtra my friends बी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वाटर है और बी की फॉर्मेशन कब हुई थी नाइन्थ ऑफ जुलाई 1875 को नाउ को नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ एन लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में फ्रेंड्स एन एस सी का हेडक्वाटर है ये आपको याद रखना है और मैंने आपको एन का फुल फॉर्म बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एन की फॉर्मेशन नाइनटीन में हुई थी ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेट इज़ यू आई डी ए आई लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में यू आई डी ए आई का हेड क्वार्टर है यू आई डी आई की फॉर्मेशन हुई थी ट्वेंटी एट जनवरी टू थाउजेंड नाइन को नेक्स्ट क्वेश्चन is इज headquarters ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर Cooperative लिमिटेड दैट इज इफको लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में इफको का हेडक्वार्टर है इफको की फॉर्मेशन हुई थी 3 नवंबर 1967 को नाउ ऑवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डेट इज बी एस एफ लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में बी एस एफ का हेडक्वाटर है बी एस एफ की फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट डिसंबर नाइनटीन सिक्सटी फाइव में फ्रेंड सी है बी एस एफ का लोगो और मोटो क्या है ड्यूटी अन टू डेथ ना ऑवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स डेट इज सीआईएसएफ लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है सीआईएसएफ की फॉर्मेशन हुई है टेंथ मार्च नाइनटीन सिक्सटी नाइन को

नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दैट इज एन एस जी लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स एनएस जी का क्वार्टर है एनएस जी की फॉर्मेशन विद सेप्टेम्बर नाइनटीन एटी सिक्स को नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज सी एस आई आर लोकेटेड राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में सी आई एस आर का हेडक्वाटर है सी एस आर की फॉर्मेशन हुई थी ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी टू को नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेड क्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डेट इज़ जी एस आई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोलकाता वेस्ट बंगाल कोलकाता वेस्ट बंगाल में फ्रेंड्स जीएसआई का हेड क्वार्टर है जीएसआई स्टैंड्स फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जीएसआई की फॉर्मेशन हुई थी फोर्थ मार्च 1851 को नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज दी हेडक्वाटर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेट इज़ एस बी आई लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र में एस बी आई का हेडक्वाटर है एस बी आई की फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन फिफ्टी फाइव को फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हो और फ्रेंड्स हमारी जो इंग्लिश मीडियम की जी की बुक है वो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से भी खरीद सकते हो ठीक है रवि जी बुक इंग्लिश मीडियम वाली इसे भी आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट एमेज़ोन से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आप बेस्ट बना सकते हो 95 परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से पूछे जाते हैं नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक यानी पी एन बी लोकेट राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में पी एन बी का हेड क्वार्टर है पी एन बी की फॉर्मेशन विथ नाइनटीन मे एटीन नाइनटी फोर को नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आई सी आई सी आई बैंक लोकेटेड आई सी आई सी स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में आई बैंक का क्वार्टर है और फॉर्मेशन हुई थी फाइव जनवरी नाइनटीन को नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एच डी एफ सी बैंक लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र में एच डी एफ सी बैंक का हेड क्वार्टर है और फॉर्मेशन हुई थी अगस्त नाइनटीन नाइन्टी फोर में फ्रेंड्स मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए फोर्टी फाइव अब इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ गया है वो है टू क्वेश्चन का टेस्ट आप सभी ने दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मैंने आपको बताया था टेन लक्की स्टूडेंट जो अपना आंसर बिल्कुल सही देंगे उन्हें हमें हमारी तरफ से जो हमारी जीके की बुक है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी तो आप सभी ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करना और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बुक फ्री में जीतने का वैसे फ्रेंड्स आप इस बुक को फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं और लिंक एक लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो होगा हमारा ई e नोट्स तो ई e नोट्स में फ्रेंड्स आपका बेनिफिट क्या होगा कि ये आपको जो बुक होती है हमारी फिजिकल बुक जो होती है उससे काफ़ी डिस्काउंट में मिलेगा क्योंकि फ्रेंड्स इस बुक पे ना ई नोट्स पे ना कोई भी प्रिंटिंग का खर्चा नहीं पड़ता ना डिलीवरी का खर्चा पड़ता है तो ये आप ई नोट्स को भी बाय कर सकते हैं उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है वेर इज देड क्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन इज इसरो लोकेटेड फोर ऑप्शन हैं आपके पास नाउ वो नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डैट इज डी आर डी ओ लोकेटेड फोर ऑप्शन हैं आपके पास फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है वीडियो कैसी लगी है? आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है फ्रेंड्स ठीक है और हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए जिसका नाम है डब्ल्यू 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 डॉट रवि अदिति क्लासेस डॉट कॉम ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रवि ठीक है फ्रेंड्स और आप हमारा टेलीग्राम भी जो ज्वाइन कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस हैं जो भी हमारी ई e नोट्स है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी सारी ई बुक्स बाय कर सकते हो 80 टू 90 परसेंट का डिस्काउंट हमने रखा है और आपके एग्जाम में आपको 95 परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी ई बुक्स में मिल जाएंगे तो आपको भी बाय कर सकते हो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट